तमाम मस्जिदों में जब नमाज पढ़ो दावत दी जाती है, आ जाओ नमाज के लिए, आ जाओ नमाज के लिए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तमाम मस्जिदों में एक ही दवाई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तमाम मस्जिदों में एक ही आवाज हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलफलाह हय्या अलफलाह। तमाम मुअज्जिन नमाज के लिए दावत देते हैं, तमाम मुअज्जिन फलाह के लिए कामयाबी के लिए दावत देते हैं। कलिमा एक, नमाज एक, अजान एक, मस्जिदों का रुख एक, तमाम मुसलमानों का रुख एक, ये सबसे बड़ी वहदानियत की दलील है। तो जब कयामत के दिन तमाम जमीन फना हो जाएगी, मसाजिद एक दूसरे में सिमट जाएंगी, तमाम मसाजिद जैसे आज ताल्लुक है नमाजियों का, जैसे आज ताल्लुक है मसाजिद का मस्जिद हराम से, जब सूर फूंकी जाएगी कयामत आएगी तमाम दुनिया फना हो जाएगी, तो तमाम मस्जिदें खिसकते हुए मस्जिद हराम से जाकर जुड़ जाएंगी, पूरे आलम की मसाजिद तमाम दुनिया की मस्जिदें सब जाकर मस्जिद हराम से मिल जाएंगी, और फिर मस्जिद हराम से मिलने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में पहुंचा देगा। तो यानी जिस जगह हम हैं ये जन्नत का एक टुकड़ा है, जिस मकाम पर हम आज बैठे हैं, जिस जगह पर हम सजदा रेज होते हैं, जिस जगह पर हम क़याम करते हैं, जिस जगह पर हम रुकू करते हैं, जिस जगह पर हम इबादत करते हैं, ये जन्नत का एक टुकड़ा है, जन्नत का एक टुकड़ा है। अब हमें फिक्र करनी है कि हमारी मस्जिद कैसी हो, हमारी मस्जिद कैसी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना मस्जिद लिल्लाहि तआला बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नत। दोनों हदीसों को आप सामने रखेंगे तो दोनों का कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है। ये मस्जिद जिसमें आज हम सजदा कर रहे हैं, जिसमें आज हम नमाज अदा कर रहे हैं, यह हमारे लिए गवाह बनेगी, हमारा ताल्लुक इस मस्जिद से होगा, नमाज के जरिए से ताल्लुकात के जरिए से हमें फख्र करने का मौका मिलेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जिस तरीके से हमारे लिए मस्जिदों से जुड़ना नमाज के एतबार से जरूरी है, इसी तरीके से जब मस्जिद में जब कोई तामीरी काम हो उसमें भी हमारे लिए हिस्सा लेना जरूरी है। क्यों? इसलिए कि ये मस्जिद बनाई जा रही है, जो मस्जिद की तामीर हो रही है वो हमारे लिए हो रही है। आराम किससे मिलेगा? मस्जिद में जो नुक्स है, जो कमी है, अगर उस नुक्स को और कमी को पूरी कर दी जाए तो आराम किससे मिलेगा? तमाम मुतजी को मिलेगा। मिल्लत मस्जिद की दूसरी मंजिल जिस पर नमाजियों को काफी परेशानी होती है और फर्श रफ्ता रफ्ता खराब होता जा रहा है, उसमें मातल की जरूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह मातल आ चुका है और इसका काम कल से शुरू होने वाला है। तो हम तमाम लोगों की ऐसे वक्त में, वक्त का तकाजा है, हमारी जरूरत है, मस्जिद की मांग है, मस्जिद की इल्तिजा है कि उस काम को पूरा किया जाए, इस काम को पूरा किया जाए। और ये जिम्मेदारी उठाने वाले कौन?